वेलकम बेटा, द सब्जेक्ट रिवीजन हिस्ट्री पार्ट चैप्टर वन फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री। तो बेटा इस चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका लॉन्ग 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बनता है बेटा, ठीक है। जैसा फर्स्ट हमें 5 मार्क्स ही दिया, 3 मार्क्स इसमें नहीं है, राइट। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये, किसी तरह से कई डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है बेटा इसको। तीनों स्टेट का डिस्क्राइब करना होगा, क्लर्गी, नोबल एंड 3 स्टेट, ओके। थर्ड स्टेट जिसमें हम कॉमन पीपल या पीजेंट्स और कुछ वर्कर्स इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेट्स की आपको फीचर डिस्क्राइब करनी होगी, इनको बाय बर्थ क्या प्रिविलेज था, इनके पास क्या प्रिविलेज नहीं था, टैक्स ये पे नहीं करते थे, टैक्स ये पे करते थे, इनकी मिजरेबल कंडीशन थी और इनकी अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो इसको डिस्क्राइब आपको करना होगा। सेकंड आता है कॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, ये आपका नेक्स्ट पेज पे दिया है बेटा। 4-5 कॉजेज हैं जिसकी वजह से यूरोप में जो 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट, उनको बेटा सर्वाइव के लिए स्ट्रगल करना हो रहा था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बेटा कई बार। तीन फिलोसफर्स हैं, जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, तीनों की बुक्स और तीनों के व्यूज आपको उसमें नो डाउन करने होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पे है बेटा स्टेट जनरल मीटिंग, और बेटा ये आपको कंप्लीट फिफ्थ में 1789, तो इससे पहले मीटिंग कब हुई थी 17th century में, राइट। इसके बाद इससे लेके बेटा जो टेनिस कोर्ट में ओपन जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस इवेंट तक आपको लगभग से सारे इवेंट बताने होंगे, ठीक है। स्टेट जनरल मीटिंग कब हुई, क्यों हुई, किसने कॉल की, किस कारण से कॉल की, राइट। इसमें तीनों जो स्टेट्स थे उनसे कितने कितने मेंबर आए, 300, 300, 600, उनका इशू क्या था मीटिंग से रिगार्डिंग, ओके। और मीटिंग में भी उनकी डिमांड्स क्या थी, डिमांड एक्सेप्ट नहीं, दो दे लीव द मीटिंग, ओके। ये आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, इसी के बाद आगे कंटिन्यू होता है बेटा, ठीक है। नेशनल असेंबली गवर्नमेंट कैसे बनी, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उनके फेमस जिनको लीड कर रहे थे 2 पर्सन के नाम भी दिए हैं, ठीक है, एबेसियस और एक और पर्सन है, तो दोनों को आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपके असाइनमेंट में भी गिवन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये कॉजेस को तीन पार्ट में कई बार पूछ लेते हैं बेटा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और किसी एक को पूछ लेते हैं, राइट। तो तीनों आपको बेटा कम से कम 3-3, 4-4 पॉइंट, 2-2 पॉइंट, कम से कम 2-2 पॉइंट, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो तीनों मिलेंगे आपको 5 मार्क्स में, ठीक है। तो सारे कॉजेस आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो ये एक पिक्चर दिए बेटा, और ये सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। और कई बार मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2-4 क्वेश्चन दिखाए थे असाइनमेंट के, तो इसमें दोनों को मिक्स करके भी पूछते हैं, ठीक है। ये पहली गवर्नमेंट थी नेशनल असेंबली गवर्नमेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्यों बोलेंगे, कि मोनार्क अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था बेटा, तो ऐसे क्या क्या उन्होंने बदलाव लाए जिसकी वजह से मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश होगी फ्रांस में, तो आपको डिस्क्राइब करना होगा। और उसके लिए बेटा आपको पूरा एक बॉक्स दिया है इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक बॉक्स दिया था याद हो तो, उसमें एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन है, इलेक्ट्रोस है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन दिखाया है, राइट। फिर बीच में हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव दिया है जिसमें किंग और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और लास्ट में जजेस दिए, ये पूरी पिक्चर डिस्क्राइब करनी होगी, ठीक है। इसी पिक्चर के साथ बेटा एक और पैरा बनता है नीचे, तो ये दोनों क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर सकते हैं, दोनों को मिला के भी 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो डिफरेंस बेटा एक्टिव पैसिव सिटीजन, दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्टिव सिटीजन वो थे जो वोट डाल सकते हैं, पैसिव को वोटिंग राइट नहीं था और किस बेस पे नहीं था वो डिस्क्राइब करना होगा आपको, ठीक है। एक्टिव कौन था, जो 3-day wages के इक्विवेलेंट टैक्स पे करता था, ठीक है, मेनली मेल होते थे 25 एज से अबव, ठीक है। इसमें सारे 25 एज से अबव जितने भी मेल है जिनका इतना टैक्स नहीं पे करते वो सब इसमें पैसिव में काउंट होंगे, वोटिंग राइट नहीं था। वुमेन तो सारी की सारी बेटा पैसिव में थी, चिल्ड्रन पैसिव में थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों डिस्क्राइब करने होंगे, इनका नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी उस बॉक्स में बेटा दिया है मिलियंस में, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये बेटा आपका फिर है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 4-5 आपके राइट्स वहां डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, और कुछ उसके राइट साइड बॉक्स में दिए हैं, तो आप इनसे कलेक्ट करके भी इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 10, पॉलिटिकल सिंबल्स पेज नंबर 12-13, बेटा ये पॉलिटिकल सिंबल भी कई बार 3-5 मार्क्स में कलेक्टिव पूछे जाते हैं, 3-4 सिंबल्स के नाम रख देते हैं, सिंबल्स रख देते हैं, 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, सिंबल्स रख देते हैं, डिस्क्राइब करना होता है। तो आपके इनके 2 पेजेस पे बेटा 4-4, 5-5 सिंबल्स दिए हैं, तो आपको हर एक सिंबल्स के बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन लर्न करनी होगी, ओके।
अब आते हैं 11th बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, और ये तीनों तरह से पूछा जाता है। पहला लीडर के नाम से, मैक्सिम रॉब्सपियर के नाम से क्वेश्चन आता है, रॉब्सपियर कौन था, इसने क्या किया, इसने कौन सा क्लब बनाया, कैसे पावर गेन की। ओके, फिर जैकोबिन क्लब, जो रॉब्सपियर का क्लब भी था, हम बात करते हैं जैकोबिन क्लब क्या था, जैकोबिन नाम की ओर पड़ा, इस क्लब की ड्रेस क्या थी, ओके, इस पे रॉब्सपियर का क्या प्रभाव था, ये सारा आपको जैकोबिन क्लब लिखना पड़ेगा। और तीसरा है कन्वेंशनल गवर्नमेंट, क्योंकि रॉब्सपियर ने जब बेटा नेशनल आर्मी के अगेंस्ट में हम बात करते हैं सेंट्रलिस्ट पे अटैक किया और पावर अपने हाथ में ली, राइट, इस क्लब ने, और यह कन्वेंशनल गवर्नमेंट बनी, तो उस कन्वेंशनल गवर्नमेंट को समझाने के लिए भी आपको सारा डिस्क्राइब करना होगा। तो तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग कंटेंट सारों का लगभग एक जैसा होगा बेटा, ठीक है। इसका देते हैं राइन ऑफ टेरर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 93-94 दो साल तक बेटा रेगुलर राइन ऑफ टेरर चला। तो इसमें बेटा दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो प्योर नेगेटिव और दूसरा है थोड़े से पॉजिटिव वर्क, पर दोनों को उसने फोर्स यूज किया बेटा इसके पीछे, इसलिए इसको राइन ऑफ टेरर बोलते हैं। तो जो आपको पहला पैरा उसमें नेगेटिव पार्ट दिया है, काफी इसका रॉब्सपियर का नेगेटिव पार्ट दिखाया, सेकेंड पैरा में से कुछ अच्छे काम किए, इक्विटी बेड लाया, टर्म्स में, लैंग्वेज में, वेजेस इक्वल किए, राइट, फार्मर से सारी क्रॉप गवर्नमेंट परचेज करती थी मिनिमम फिक्स प्राइस में, तो कुछ काम किए, पर हर जगह इसने फोर्स यूज किया, ठीक है। और इसका एंड ऑफ रॉब्सपियर की बात की, गुलटाइन से इसपेट को कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया, इसको गुलटाइन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते 13th बेटा, सी गवर्नमेंट के बाद अगली गवर्नमेंट क्या आई, दैट इज डायट्री रूल, ठीक है। डायट्री रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ही ऐसी थी बेटा, गवर्नमेंट को पहले दो हाउस में डिवाइड किया ताकि दोबारा से कोई रॉब्सपियर का रूलर ना आए, डिक्टेटर रूल ना करे, हार्ड रूल ना करे, पनिश ना करे लोगों को, ठीक है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर ना कर ले। इसलिए क्या क्या, पहले तो गवर्नमेंट को दो हाउसेस में डिवाइड किया, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा ऐसे ही, उसके बाद उन दोनों हाउसेस के ऊपर फिर डायरेक्टर रूल बैठा दिए, और डायरेक्टर्स पांच होते थे, ये भी मेजोरिटी से फैसला देते थे, थ्री वोट की मेजोरिटी से फैसला लेते थे बेटा, ठीक है। बट हम बात करते हैं इन दोनों में जो दो हाउसेस थे गवर्नमेंट के, वो डायरेक्टर्स इनमें हमेशा बड़ा डिस्प्यूट रहता था, उसका बेनिफिट किसको मिला, नेपोलियन को, ठीक है, राइज ऑफ नेपोलियन, इसी के कॉज से बेटा, इसका कॉज इसी डायरेक्टर रूल के मिस फेलियर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वुमेन, तो थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट का भी एक टॉपिक है बेटा, वो भी करना होगा आपको, शॉर्ट नोट में आता है, वन वर्ड में भी आता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वुमेन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो पार्ट आपकी बुक में दिए, पहला तो वुमेन की डिमांड्स और दूसरा है उनको गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया। तो डिमांड है जो पॉलिटिकल थी इनकी, वोटिंग राइट चाहिए था इन्हें, ऐसे मेंबर इलेक्टेड चाहिए था, ऑफिस में सिटिंग चाहिए थी, काफी इनके अच्छे राइट्स है बेटा, बट गवर्नमेंट ने ये राइट नहीं दिए, इनको अदर बेनिफिट दिया, जैसे डिवोर्स का लीगल कर दिया बेटा, ठीक है, इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, एजुकेशन कंपलसरी कर दी, ये सुधार गवर्नमेंट ने किया, तो दोनों चीजें आपको नोट करनी होगी। और लास्ट चलते हैं बेटा अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, लास्ट पेज पे क्वेश्चन है, तो यहां इसको आपको नेशनल असेंबली से लेके 1848 में जब कंप्लीट बेटा स्लेवरी बैन हुई फ्रांस और फ्रांस टेरिटरी में, आपको पूरा पीरियड डिस्क्राइब करना होगा। इसमें स्लेवरी ट्रायंगल ट्रेड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रेड था, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक पॉइंट है, इसमें दो पोर्ट के नाम ले सकते हैं, आपके बॉर्डर्स एंट्रेंस जो पोर्ट इस पैरा में दिए भी हैं। फिर नेशनल असेंबली आई, इसने कुछ नहीं किया बेटा, इसके बाद रॉब्सपियर की गवर्नमेंट आई, कन्वेंशन उसने आपने इसको बैन किया 94 में, फिर हम कहते हैं डायरेक्ट रूल चलता रहा, और लास्ट में फिर जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया 1804 के बाद, तो साथ ही फिर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और लास्ट में फाइनली 1848 में ये बैन हुई, ठीक है। तो ये पूरा चीजें आपको डिस्क्राइब करेंगी, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी बन सकता है आपका, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, जो अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो वन वर्ड क्वेश्चन है या टर्म्स है वो काफी ज्यादा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड की है, इन टर्म्स को बेटा आपको एक बार, सिर्फ एक बार चैप्टर में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके बारे में पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो एक एक दो लाइन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, सबसे बेस्ट स्टाइल जेल है, ओके, फिर मैरी एंटोनिया है, लिवर, टेथ, दोनों टैक्स आपको डिस्क्राइब किए थे, जिसमें एच आता है चर्च का है, और दूसरा जो टैक्स है टेले, ये बेटा स्टेट के लिए जाता है, लिवर करेंसी है, ओके, उस टाइम की। इसके बाद मिराबो है, एबीसीएस है, दोनों बेटा लीड किया था इन्होंने, जो नेशनल असेंबली बनी थी उसमें इन दोनों ने लीड किया था, दोनों के नोट करना। एबीसीएस का एक पैम्पलेट का नाम भी था, वो भी आपको नोट करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बैले बेटा, ये भी एक पर्सन है, पिक्चर में दिया है, उसको आपको लर्न करना होगा बैले को। बैले के बाद है चैटे, ओके, तो ये भी आपके थोड़े से क्या बोलते हैं, फोर टाइप से जो थे कंट्री साइड में जो अटैक किया था जिन बिल्डिंग्स पे, उनको चैंटे बोलते बेटा, कैसल टाइप से थे।
फिर मैनर है, इलेक्ट्रोल्स है, 5000 इलेक्ट्रोल्स इनको इलेक्ट करती थी कॉमन पीपल, इनडायरेक्ट इलेक्शन था बेटा फर्स्ट टाइम जो नेशनल असेंबली बनी, फिर इलेक्ट्रोल्स नेशनल असेंबली एड करते थे, ठीक है। सस्पेंसिव विटो पावर ये किंग के पास थी बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। जीन पोल मराठ न्यूज पेपर द फ्रेंडली ऑफ द पीपल ये फेमस है, ये वन वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है। लाभ आरबे पेंटर है जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट का काफी जिसमें बहुत से सारे सिंबल्स हैं उसका बेटा पेंटर का नाम लाभ आरबे है। फिर मसलिस है ओके सॉन्ग था बेटा ये, और सिटी भी है साउथ ईस्ट में, ठीक है। इसके बाद कॉन्वेंट है जो रिलीजियस स्कूल्स या बिल्डिंग में चलते थे उनको कॉन्वेंट बोलते हैं बेटा। फिर नेमी वेलिन है ओके लिबर्टी के पेंटर है, लिबर्टी का जो एक पिरामिड के आगे लेडी बैठी उस पेंटर का उसका पेंटर है। पैलेस ट्रोलिस ये बेटा रॉसन ने अटैक किया था वो है पैलेस ऑफ ट्रोलिस। फिर है ग्लूटाइन जो मशीन यूज करता था बेटा रॉसफियर। पेन डेगलेटे है मॉन्टेसी मैडम है मॉन्सियर मैडम सर मैडम के लिए। सिटोइन सिटोइनी हर एक सिटीजन को सिटोइन कहा गया, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए सिटोइन यूज हुआ और उस कंट्री के सिटीजन के लिए सिटोइनी यूज हुआ। कैमली डेस्मोलिन ये पैरा में दिया, इसके व्यूज आपको पढ़ने के वुमेन के लिए। ट्रेजन एक चार्ज था बेटा देशद्रोह से बोलते हैं हम, ये आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। सेकंड कॉलम में आते हैं बेटा द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये बेटा एक काफी बड़ा क्लब था वुमेन क्लब रॉसफियर के टाइम ही, और ऑलबर्टी गोज इसकी बड़ी लीडर थी, ठीक है। इसको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया रॉसफियर ने, इसको आपको नोट करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट है, फीमेल की वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट चला। चमाटे हैं इसका भी एक बॉक्स दिया है, इसके व्यूज दिए हैं। बॉर्डेक्स नेंटेस दो पोर्ट थे बेटा आपके स्लेव पोर्ट। निग्रोज है जो अफ्रीका से जो स्लेव लाए उनको निग्रोज कहा गया बेटा, ओके। इमैक्यूपेशन इसकी बॉक्स में डेफिनेशन दी। फैट राइजिंग मशीन एक पिक्चर के लिए दिया जहां क्लगी नॉबल्स रिसोर्स लिया जा रहा था उसको फैट राइजिंग मशीन का है। जीन पोल मराठ ये भी एक बेटा अच्छा क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट वगैरह था, ठीक है। फिर फ्रेगेट शिप ये लास्ट एक बॉक्स में दिया है, यूएस का शिप था जिसने वर्ल्ड वॉर में काफी हेल्प की थी बेटा, ठीक है। और लास्ट में दो कैंडिडेट हैं राजा मोहन राय टीपू सुल्तान फ्रेंड्स रिलेशन रिलेटेड है, इन दोनों का भी एक पैरा दिया है। और सबसे लास्ट बेटा हिस्ट्री की बात करें तो डेट ऑफ द फ्रेंड्स, डेट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी वन मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में, ठीक है। तो ये बेटा आपका फ्रेंड्स रिलेशन का टॉपिक था। थैंक यू।